अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको सिलाई कढ़ाई कुछ भी आती है तो घर बैठ के आप पैसा कमा सकती हैं फ्रेंड्स। ऐसा मत समझिए कि हम हाउसवाइफ हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। कैसे हैं फ्रेंड्स, आई होप सब ठीक ठाक होंगे, माशाल्लाह से हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ ड्रेस जो है हमने बनाया हुआ है, स्टिचिंग करके हमने रखा हुआ है, तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या हमने स्टिच किया हुआ है और आप लोगों को पसंद आएगी तो प्लीज़ जो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहें। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, तो देखिए हमने सिला हुआ है अपने हाथों से, मैंने खुद ही इसको स्टिच किया हुआ है, तो दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह है, और इसकी आस्तीन जो है हमने 3-4 रखा हुआ है, और इसकी पहले मैं हैंगर निकाल देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आस्तीन जो है माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन बना हुआ है। वी गला है, गला इसका इस तरह का आएगा, देखिए वी गला, और फ्रंट साइड कुछ इस तरह का आने वाला है, तो गोल गला इन्होंने दिया हुआ है। और इसमें नाड़ी का जो लुक है वो जैसे उन्होंने बोला है मैंने उसी तरह बनाया हुआ है। तो ये आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, बड़े बड़े नाड़ियाँ सब लोग लगाती हैं, छोटी डोरी कोई लगाता नहीं है, पहले लगाते थे, अभी वो जा चुका है, तो सब बड़े बड़े लगाते हैं। तो ये ज़रा शॉर्ट में है थोड़ा सा, देखिए शॉर्ट कुर्ता हमने बनाया हुआ है, तो ये हमारा हो गया। और आगे वाला देखिए बिल्कुल भी बेहतर दिख रहा है माशाल्लाह से, फिनिशिंग इसका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए ये हो गया, अब इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो अब इसका सलवार जो है वो भी हम दिखाते हैं कि हमने किस तरह बनाया हुआ है। तो इसकी जो सलवार है देखिए मैंने पैन टाइप बनाया हुआ है, इसको मैं हैंगर से निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग बताइएगा कि कैसा बना हुआ है। तो देखिए कमर पे हमने पहले तो लास्टिक लगाया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन लास्टिक हुई है, बीच में इसकी जो सिलाई की फिनिशिंग दी गई है वो बहुत कमाल की है, और हमने इसमें ओरिजिनल लास्टिक लगाया हुआ है, और इसकी लंबाई जो है इस तरह की है, और बॉटम कुछ इस तरह का आएगा, मतलब पेंट टाइप है। और इसमें देखिए कली हमने बैठाया हुआ है, ये बीच में हमने कली लगाया हुआ है, देखिए इस तरह मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि इस तरह का लगता है देखने में, और पूरा फाइनल लुक जो है इसका ऐसा आएगा, दिखाती हूँ ऐसा करके कुछ इस तरह का। तो देखिए ये हमारा हो गया पैंट, अब इसको भी हम रख देते हैं। वर्लक भी मैंने अंदर से कर दिया हुआ है, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ इसका दुपट्टा। तो दुपट्टा जो है सेम ही कलर का था, इसको बीडिंग करना था तो हमने बीडिंग भी इसका कर दिया हुआ है। देखिए साइड से जो बीडिंग होती है, ये देखिए ये वाली जो बीडिंग है हमने कर लिया हुआ है। तो ये दुपट्टा भी हमने बना दिया है, इनका पूरा सेट हो गया है तैयार, तो इसको भी हम रख देते हैं साइड में। दूसरा पीस दिखाती हूँ, तो देखिए ये मैंने पर्पल कलर का सिला हुआ है, तो सेम पैटर्न है, और मतलब गले की जो डिजाइन है वो अलग है। ये गला जो है देखिए इस तरह का आएगा, गोल गला है, और यहाँ पे देखिए डिजाइन दी गई है थोड़ी सी, और इसकी वर्किंग जो है ये पहले से था ड्रेस में, तो इसका भी हमने 3-4 आस्तीन रखा हुआ है। तो देखिए मैं दोनों तरफ दिखाती हूँ, और इसका कुछ इस तरह का लुक आएगा, तो इसको भी हैंगर से निकालती हूँ, मैं निकाल के दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझे और समझ पाएँ। तो देखिए गोल गला है, फ्रंट साइड में कुछ इस तरह का आएगा गोल गला, और इसके भी हमने नाड़ी दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ये भी लटकन हमने बनाया हुआ है, और यहाँ पे फुलावर जो है वो हमने दो रखा हुआ है डिजाइन, जो बहुत प्यारा दिख रहा है। तो ये भी जो है शॉर्ट है, शॉर्ट ड्रेस हमने बनाया हुआ है, लॉन्ग डोरी लगाई हूँ, तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा ड्रेस बना हुआ है, पर्पल कलर वाला जो है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी फिनिशिंग जो है मुझे बहुत पसंद आई है। तो चलिए अब इसको भी रख देते हैं, अब इसकी जो पैंट है वो हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह से बनाया हुआ है और कैसा लगता है, बना कैसे है ये बताती हूँ आप लोगों को। तो देखिए इसकी लास्टिक जो है हमने इस तरह लगाया हुआ है, मैंने सिंगल ही सिलाई इसमें मारा हुआ है, डबल नहीं लगाई हूँ इसमें, और इसमें भी कली बनाई हूँ, यहाँ पे देखिए कली बनाया हुआ है बीच में। कली लगाने से फ़ायदा होता है लेडीज़ लोग के लिए, कंफर्टेबल रहता है, और वो जल्दी से जल्दी फटता नहीं है, बहुत बेहतर है, मतलब हर कोई लगाता नहीं है, लेकिन कभी भी मतलब लेडीज़ लोग अगर कपड़ा सिलना किसी को देती हैं तो आप प्लीज़ सब लोग बता दीजिए कि कली वाला बनाए पैंट, ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए ये पैंट है, और पैंट की जो बॉटम है हमने इस तरह से रखा हुआ है, 1.5 इंच पे हमने उसको मोड़ कर कपड़े को फोल्ड किया हुआ है, बहुत बेहतर हमने माशाल्लाह से बनाया हुआ है। तो कुछ इस तरह का पैंट जो है हमारा बन के रेडी हुआ है, दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक जो है कुछ इस तरह का आएगा, देखिए। तो ये हमारा पैंट हो गया फ्रेंड्स, अब इसका दुपट्टा जो है वो भी हम दिखा देते हैं।
इसको भी हमने बीडिंग कर लिया हुआ है। तो देखिए इसकी बीडिंग साइड जो है कुछ इस तरह का आएगा, वो दिखाती हूँ। इस तरह का हमें बीडिंग करके रखा हुआ है। तो हमारा जो है ड्रेस पूरा का पूरा रेडी हो गया है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे बताना, और कोई नज़दीक से हो तो आप लोग ऑर्डर से सिलवा भी सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे मतलब कुचिंग में हमारे सिलाई सेंटर भी है, मतलब सिलाई भी सीख सकते हैं। जैसे होम क्लास में मैं घर में सिलाई भी सिखाती हूँ, कपड़े भी सिलती हूँ। तो जो नज़दीक से हैं वो सिलाई सीख सकते हैं, कपड़ा सिलवा भी सकते हैं। तो हमारे से मैसेज भी कर सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई भी दूँगी इंशाल्लाह से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकअल्लाह, थैंक यू।